दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता टीम के बीच में आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के मैदान पर कुछ समय बाद ही शुरू होने वाला है। अगर आज बारिश के कारण यह मुकाबला नहीं हो पाता और बारिश के कारण यह मुकाबला रद्द हो जाता है तो चैंपियन टीम कौन बनेगी? तो फिर किसको आईपीएल 2024 के फाइनल में विजेता घोषित किया जाएगा और यह ट्रॉफी किसको दी जाएगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। तो हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल 2024 का यह मुकाबला आज शुरू होगा और शाम को 7:30 बजे ही दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, हैदराबाद ने राजस्थान को 36 रनों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कोलकाता ने पहले ही सेमीफाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर पहले ही अपने फाइनल में जगह बना ली थी। दोनों के बीच यह फाइनल मुकाबला चेन्नई के मैदान में खेला जाएगा। बारिश हो सकती है। यदि बारिश हो गई और मैच रद्द हो जाता है तो इस कंडीशन में केकेआर को विजेता घोषित किया जाएगा, क्योंकि केकेआर ने पॉइंट टेबल में 20 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया था। वहीं हैदराबाद ने 17 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया था। तो केकेआर ने पॉइंट टेबल पर नंबर 1 स्थान बनाए रखा था, वही हैदराबाद ने नंबर 2 स्थान बनाए रखा था। आईपीएल के नियम के अनुसार यदि फाइनल मुकाबला नहीं हो पाता बारिश या फिर अन्य किसी कारण से तो विजेता टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 होगी, उसको ही विजेता घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से केकेआर आईपीएल 2024 फाइनल की विजेता हो जाएगी। वैसे तो सब उम्मीद करेंगे कि बारिश ना आए, जिससे कि मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच हो और बिल्कुल टक्कर का मैच होकर के एक निश्चित विजेता मिले।